नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो आज का जो राजस्थान पुलिस कांस्टेबल का पेपर हुआ है। तो दोस्तों, उसके कुछ क्वेश्चन मिले हैं जो कि आज पूछे गए। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे अगर मैं कोई भी वीडियो अपलोड करता हूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों, हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कि पंचायती राज संस्था का जो होता है कार्यकाल कितना होता है। तो पंचायती राज संस्था का कार्यकाल होता है 5 वर्ष। नेक्स्ट है कि राज्य का सबसे बड़ा राष्ट्रीय अभयारण्य कौन सा है। तो राष्ट्रीय मरु उद्यान। ILO का पूरा नाम क्या होता है। तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। अजरक प्रिंट कहाँ की प्रसिद्ध है। तो अजरक प्रिंट है बाड़मेर की प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है कि जाजम छपाई कहाँ की प्रसिद्ध है। तो जाजम छपाई प्रसिद्ध है चित्तौड़ की। खानवा किस जिले से संबंधित है। तो ये है भरतपुर से। ध्यानचंद पुरस्कार जीतने वाली झारखंड की पहली महिला कौन थी। कौन है, सुमराय टेटे। 2014 की जनगणना के आधार पर कुल पशुओं की जनसंख्या कितनी है। तो 5.70 करोड़। हैदराबाद किस नदी के किनारे है। तो यह है मूसी नदी के किनारे। अकबर के समय प्रसिद्ध चित्रकार को क्या नाम था। तो दशवंत। अगला कि युवा बंगाल आंदोलन के नेता कौन थे। तो हेनरी बिबियन। अकादमी संकुलन भवन का शिलान्यास कहाँ है। तो यह है जयपुर में। गौतम बुद्ध वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पर है। तो यह है कोडरमा में। बीकानेर की स्थापना कब हुई थी। तो ये हुई थी 1488 में। अगला है कि चाय का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो कैमेलिया साइनेसिस। बीकानेर किले का निर्माण किसने कराया था। तो राजा राय सिंह ने कराया था। इंदिरा आवास योजना की स्थापना कब हुई थी। 1980 में। समद्वेश्वर मंदिर कहाँ पर है। तो ये है उदयपुर में। सीबाड़ा दुर्ग कहाँ पर है। तो सीबाड़ा दुर्ग है गिरी में। राजस्थान सेवा संघ में प्रकाशित अखबार का क्या नाम था। नवीन राजस्थान। देशबंधु की उपाधि किसने धारण की। तो चितरंजन दास ने। गर्म पानी अभयारण्य कहाँ पर है। तो ये आसाम में है। अगला है कि पिपाल माता का मंदिर कहाँ पर है। तो ये ओसियान में। गोगा मेड़ी कहाँ पर है। तो ये हनुमानगढ़ में है। अंत्योदय योजना कब शुरू हुई। तो ये 2000 में हुई थी। गिरी सुमेल का युद्ध कब हुआ था। तो ये 1544 में हुआ था। नेक्स्ट है कि सोनारगढ़ के नाम से कौन सा किला जाना जाता है। तो जैसलमेर का किला। मारवाड़ का भूला बिसरा राजा कौन था। राव चंद्रसेन। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। 14 सितंबर को। छेड़छाड़ वाले देवता का क्या नाम है। इलोजी। नेक्स्ट है कि बालाथल सभ्यता किस जिले में है। तो ये है उदयपुर में। सोडियम को कहाँ रखा जाता है। तो ये मिट्टी के तेल में रखा जाता है सोडियम को। राजस्थान में सर्वाधिक गांव वाला जिला कौन सा है। तो गंगानगर। एक बार रिपीट कर लेते हैं क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन है कि पंचायती राज संस्था का जो होता है कार्यकाल कितना होता है। तो पंचायती राज संस्था का कार्यकाल होता है 5 वर्ष। नेक्स्ट है कि राज्य का सबसे बड़ा राष्ट्रीय अभयारण्य कौन सा है। तो राष्ट्रीय मरु उद्यान। ILO का पूरा नाम क्या होता है। तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। अजरक प्रिंट कहाँ की प्रसिद्ध है। तो अजरक प्रिंट है बाड़मेर की प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है कि जाजम छपाई कहाँ की प्रसिद्ध है। तो जाजम छपाई प्रसिद्ध है चित्तौड़ की। खानवा किस जिले से संबंधित है। तो ये है भरतपुर से। ध्यानचंद पुरस्कार जीतने वाली झारखंड की पहली महिला कौन थी। कौन है, सुमराय टेटे। 2014 की जनगणना के आधार पर कुल पशुओं की जनसंख्या कितनी है। तो 5.70 करोड़। हैदराबाद किस नदी के किनारे है। तो यह है मूसी नदी के किनारे। अकबर के समय प्रसिद्ध चित्रकार को क्या नाम था। तो दशवंत। अगला कि युवा बंगाल आंदोलन के नेता कौन थे। तो हेनरी बिबियन।
अकादमी संकुलन भवन का शिलान्यास कहाँ है? तो ये जयपुर में। गौतम बुद्ध वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पर है? तो ये कोडरमा में। बीकानेर की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1488 में। अगला है कि चाय का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो कैमेलिया साइनेसिस। बीकानेर किले का निर्माण किसने कराया था? तो राजा राय सिंह ने कराया था। इंदिरा आवास योजना की स्थापना कब हुई थी? 1980 में। समदुएसर मंदिर कहाँ पर है? तो यह है उदयपुर में। सीबाड़ा दुर्ग कहाँ पर है? तो सीबाड़ा दुर्ग है गिरी में। राजस्थान सेवा संघ में प्रकाशित अखबार का क्या नाम था? नवीन राजस्थान। देशबंधु की उपाधि किसने धारण की? तो चित्तरंजन दास ने। गर्म पानी अभयारण्य कहाँ पर है? तो ये आसाम में है। अगला है कि पिपाल माता का मंदिर कहाँ पर है? तो ये ओसियान में। गोगा मेड़ी कहाँ पर है? तो ये हनुमानगढ़ में है। अंत्योदय योजना कब शुरू हुई? तो ये 2000 में हुई थी। गिरी सुमेल का युद्ध कब हुआ था? तो ये 1544 में हुआ था। नेक्स्ट है कि सोनारगढ़, सोनारगढ़ के नाम से कौन सा किला जाना जाता है? तो जैसलमेर का किला। मारवाड़ का भूला बिसरा राजा कौन था? राव चंद्रसेन। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। छेड़छाड़ वाले देवता का क्या नाम है? इलोजी। नेक्स्ट है कि बालाथल सभ्यता किस जिले में है? तो ये है उदयपुर में। सोडियम को कहाँ रखा जाता है? तो ये मिट्टी के तेल में रखा जाता है सोडियम को। राजस्थान में सर्वाधिक गांव वाला जिला कौन सा है? तो गंगानगर। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।